राजधानी मैड्रिड से उरुग्वे के लिए रवाना हुआ एयर यूरोपा का प्लेन टर्बुलेंस के शिकार हो गया। बता दें कि इस हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। एक यात्री झटका लगने के बाद प्लेन की छत में फंस गया, जिससे अन्य यात्रियों ने नीचे उतारा। हादसे के दौरान विमान में सवार ज्यादातर यात्री छत से टकरा गए, वहीं विमान की सीटें क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि गंभीर स्थिति में एयर यूरोपा के विमान की ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वहीं एयर यूरोपा प्लेन हादसे में और इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। लोगों ने घटना के बाद वीडियो रिकॉर्ड किया है और वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से प्लेन के अंदर भारी नुकसान हुआ है। वहीं सीटें प्लेन की जमीन से उखड़ गई है, वहीं प्लेन की छत भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं इमरजेंसी सूचना के बाद प्लेन को डाइवर्ट करके ब्राजील के नातल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। इस दौरान देखने में आया है कि एयरपोर्ट पर राहत एवं बचाव के लिए इमरजेंसी सेवा से जुड़े कर्मी पहले से मौजूद थे।